नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ट्रू फैक्ट टीचिंग में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है होम्योपैथिक मेडिसिन नैट्रिकम एसिडम, नैट्रिक एसिड के सिम्टम। सबसे पहले हम आपसे अनुरोध करेंगे कि कृपया अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाना नहीं भूलें, जिससे कि हमारा अगला वीडियो आपको निर्बाध रूप से मिलता रहे। होम्योपैथिक मेडिसिन नैट्रिकम एसिडम, नैट्रिक एसिड के सिम्टम। नैट्रिकम एसिडम अवधि शरीर के उन स्थानों पर बहुत असरदार होती है जहाँ पर श्लैष्मिक झिल्ली और त्वचा के मिलने से चूहन सी होती है। काले रंग के व्यक्तियों और बूढ़े लोगों पर यह औषधि बहुत ज़्यादा असरकारक साबित होती है। विविध रोगों के लक्षणों के आधार पर नैट्रिकम एसिडम औषधि का उपयोग, जैसे मन से संबंधित लक्षण, रोगी का बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाना, दूसरों से नफरत करने लगना, हर समय डर लगना जैसे कि कोई उसे मारने आ रहा है, हर समय उदास सा बैठे रहना, किसी की जरा सा भी छू लेने से चिढ़ जाना, स्त्री के मासिक धर्म आने से पहले चिड़चिड़ा सा हो जाना, अपनी जिंदगी को बिल्कुल ही बेकार समझने लगना, किसी भी काम को करने से मना कर देना, जैसे लक्षणों में रोगी को नैट्रिकम एसिडम औषधि देना बहुत उपयोगी होता है। सिर से संबंधित लक्षण, सुबह उठते ही रोगी को ऐसा लगना कि जैसे उसका सिर घूम रहा हो, सिर में ऐसा महसूस होना जैसे कि सिर फट रहा हो, सिर में चारों ओर ऐसा लगना जैसे कि किसी ने सिर को बांध रखा हो, ज़्यादा शोर शराबे से सिर के दर्द का तेज हो जाना, बालों का झड़ जाना, खोपड़ी को छूते ही दर्द सा होना, आदि लक्षणों के आधार पर नैट्रिकम एसिडम औषधि का उपयोग करना लाभकारी माना गया है। कान से संबंधित लक्षण, किसी की बात को साफ तरह से सुनाई देना, किसी चीज़ को खाने पर चबाते समय कान से आवाज़ होना, कान में आवाज़ होना, जरा सा भी शोर शराबा होते ही कानों में से दर्द होना, किसी गाड़ी में सफ़र करने से सही तरह से सुनाई देना, जैसे लक्षणों में रोगी को नैट्रिक एसिड औषधि का सेवन कराना लाभकारी माना गया है। आँख से संबंधित लक्षण, आँखों में किसी चीज़ के चुभने जैसा दर्द सा होना, आँखों से हर चीज़ का दो दो दिखाई देना, दूर की चीज़ का साफ न दिखाई देना, कणिनिका में जख्म होना, सुजाक रोग के कारण आँखों से तिरछा दिखाई देना, रोशनी में आते ही आँखों का बंद हो जाना, रोशनी में आँखों का बंद होना, हर समय आँखों से आंसू काते रहना, गर्मी के कारण होने वाले परितालिका शोथ, आदि लक्षणों में रोगी को नैट्रिकम एसिडम औषधि देने से लाभ मिलता है। नाक से संबंधित लक्षण, पुराना जुकाम, रोजाना सुबह उठते ही नाक में से हरी हरी सी पपड़ियाँ से निकलना, सर्दी जुकाम होने के कारण नाक के नथनों में से खून आना और दर्द का होना, नाक की नोक का लाल हो जाना, नाक में ऐसा चुभन होना जैसे कि कोई सुई चुभा रहा हो, नक्सीर आना यानी नाक से खून का आना, छाती का कोई रोग होना, नाक के झिल्ली में जलन होना, नाक में से बहुत ज़्यादा पानी जैसा स्राव का आना, इस तरह के लक्षणों में रोगी को नैट्रिकम एसिडम का सेवन कराने से काफ़ी लाभ मिलता है। मुंह से संबंधित लक्षण, मुंह से गंदी से बदबू का आना, मसूरों से खून निकलना, मुंह से लार गिरते रहना, जीभ के किनारे पर फुंसियाँ निकलने के कारण दर्द का होना, दांतों का बिल्कुल ही पीला हो जाना, तालू में जख्म बनने के साथ ही बहुत तेज दर्द होना, लार के साथ मुंह से खून का भी आना, आदि लक्षणों में रोगी को नैट्रिकम एसिडम औषधि देने से लाभ मिलता है। गले से संबंधित लक्षण, गले का बिल्कुल सूख जाना, गले का सूखना, कानों तक दर्द होना, बलगम को हर बार खखार कर निकालना, गले पर सफ़ेद से निशानों का पड़ना, किसी भी चीज़ को खाने पर निगलने में बहुत तेज़ी से होने वाला दर्द, आदि लक्षणों के आधार पर नैट्रिकम एसिडम औषधि का सेवन कराना लाभदायक माना गया है। आमाशय से संबंधित लक्षण, रोगी को बहुत तेज़ी से भूख लगने के साथ ही मुंह का स्वाद मीठा महसूस होना,
दिल के भाग में दर्द होना, मन में खड़िया मिट्टी खाने की इच्छा होना, अजीर्ण बदहजमी के साथ पेशाब में बहुत ज़्यादा ऑक्जेलिक एसिड, यूरिक एसिड और फास्फेट पदार्थ आना, घी तेल और चर्बी वाली चीज़ों के साथ ही ज़्यादा नमक खाने की इच्छा होना आदि लक्षणों में इसी रोगी में को नाइट्रिक एसिड मौजूद देने से काफ़ी लाभ मिलता है। मल से संबंधित लक्षण, रोगी को मल क्रिया के दौरान काफ़ी कोशिशों के बावजूद भी मल का बहुत ही कम आना, ऐसा दर्द होना जैसा कि मलांतर फट गया हो, कब्ज बढ़ने के साथ ही मलांतर में दर्द का होना, मलत्याग के समय बहुत तेजी से दर्द का होना, मलत्याग के बाद भी काफ़ी समय तक दर्द का होना, आंतों से खून का आना, बवासीर के मसे से अपने आप ही खून का आने लगना, दस्त का चिपचिपा और बदबू के साथ आना, मल क्रिया के बाद रोगी को बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होना, पीलिया रोग के कारण जिगर में दर्द होना आदि लक्षणों के आधार पर रोगी को नाइट्रिक एसिडम औषधि का सेवन कराना काफ़ी लाभदायक रहता है। मूत्र पेशाब से संबंधित लक्षण, पेशाब का बार बार आना, पेशाब का बहुत ज़्यादा काले रंग का और बदबू के साथ आना, पेशाब करते समय रोगी को बहुत ज़्यादा ठंडक महसूस होना, पेशाब के साथ खून और अन्न का आना, पुरस्थ ग्रंथि के पुराने रोगियों में धूमिल फास्फेट युक्त का आना, इस तरह के मूत्र रोग लक्षणों में नाइट्रिक एसिड का औषधि देने से काफ़ी लाभ मिलता है। पुरुष रोग से संबंधित लक्षण, रोगी के लिंग के मुंह पर और लिंग की त्वचा पर जख्म होने जैसी जलन और दर्द का आना, लिंग में जलन होने के साथ ही उसमें से बदबूदार पीप से निकलते रहना, इस तरह के लक्षणों में अगर रोगी को नाइट्रिक एसिडम औषधि दी जाए तो काफ़ी लाभ मिलता है। स्त्री रोग से संबंधित लक्षण, स्त्री के बाहर की जननेंद्रियों में दर्द का होना और जख्म होना, प्रदरस्राव यानी योनि में से पानी का बहना, कत्थई रंग का बदबू के साथ आना, जननेंद्रियों के बालों का झड़ जाना, गर्भाशय में से खून का आना, मासिक स्राव का समय से बहुत पहले और बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी जैसा आना, और इसी के साथ ही पीठ नितंबों तथा जांघों में बहुत तेजी से दर्द का भी होना, योनि के रास्ते में किसी चीज़ के चुभने जैसा दर्द का होना, बच्चे को जन्म देने के बाद गर्भाशय से खून का आना आदि लक्षणों में रोगी को नाइट्रिक एसिडम औषधि देना काफ़ी लाभदायक माना गया है। त्वचा से संबंधित लक्षण, रोगी की त्वचा पर बड़े बड़े खुरदुरे से मस्से निकलना जिनको धोने से खून निकलता है, जख्मों में से अपने आप ही खून का निकलना, चेहरे पर काले काले से बारीक दाने होना, माथे पर बहुत ज़्यादा पिटकीय उद्भेद, बहुत ज़्यादा नकनांकुरता आदि लक्षणों में रोगी को नाइट्रिक एसिडम औषधि देने से लाभ होता है। बाड़ियों से संबंधित लक्षण, रोगी के पैरों में बदबू के साथ पसीने का आना, पैरों की उंगलियों में जलन के साथ दर्द और शीतदंश का होना, हाथों की हथेलियों में पसीना आना और नाखूनों का पीला पड़ना, रात को सोते समय आँख में से बदबू के साथ पसीने का आना आदि लक्षणों में रोगी को नाइट्रिक एसिड का सेवन कराना लाभदायक माना गया है। सांस से संबंधित लक्षण, गले में खराश सी होना, आवाज़ की नली और पेट में गुदगुदाहट होने के कारण सूखी खांसी होना, उरोस्थी के नीचे वाले आखिरी भाग में दर्द का होना, सीढ़ियों में चढ़ते समय सांस का फूल जाना, सोते समय खांसी का होना और जैसे सांसों के लक्षणों में रोगी को नाइट्रिक एसिडम औषधि देने से काफ़ी लाभ मिलता है। वृद्धि शाम को और रात के समय, आधी रात बीतने के बाद, छूने से, मौसम के बदलने से, पसीना आने से, जागने पर, चलते समय, बैठकर उठने से और लेटने पर रोग बढ़ता है। शमन, गाड़ी में सफ़र करने से बहुत से रोग कम हो जाता है। प्रतिकूल लैकेसिस,
मात्रा रोगी कुछ लक्षणों के आधार पर डॉक्टरी कमिश्नर महोदय की शिक्षक शक्ति देने से लाभ मिलता है। किसी भी रोगी को जब डॉक्टरी कमिश्नर महोदय दी जाती है तो उसकी हालत सुधारने लगती है, तो कुछ समय के लिए रोगी की त्वचा पर कुछ चर्म रोगों के लक्षण नजर आने लगते हैं, लेकिन ये लक्षण रोगों को दूर करने के लिए उभरता है। किसी भी रोगी को जब नैट्रिकम एसिडम औषधि दी जाती है तो उसकी हालत सुधारने लगती है, तो कुछ समय के लिए रोगी की त्वचा पर कुछ चर्म रोगों के लक्षण नजर आने लगते हैं, लेकिन ये लक्षण रोगों को दूर करने के लिए उभरते हैं। हम अपने अगले वीडियो में किसी महत्वपूर्ण विषय पर महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।